Hello and welcome to the big picture. In an unusual move, the opposition in the Raj Sabha yesterday, led by Congress, managed to get an amendment passed to the President's address delivered by the President at the beginning of the ongoing budget session. In what is considered an embarrassment to the government, the amendment expressed regret that the President's address did not support the rights of citizens to contest in Panchayat elections in the backdrop of restrictions imposed in Haryana and Rajasthan by the BJP governments there. These two states. Where already panchayat elections have been held, have imposed minimum educational qualifications for contesting in Zilla Parishad and panchayat elections, among other restrictions. This has been opposed by the Congress and some of the parties in the Raj Sabha yesterday. We will discuss today these laws in these two states, which have incidentally been upheld by the Supreme Court also, and its repercussions. To discuss this, I have with me KTS Tulsi, senior advocate in the Supreme Court and also a, and also a Congress MP. Jagmati Sangwan, General Secretary, All India Democratic Women's Association; Anupam, Spokesman of the Swaraj Abhiyan; and Vinod Sharma, Political Editor, Hindustan Times. Welcome to all of you, Mr. Th Mr. Tulsi. Mr. Tulsi, it's, a very well, it's very well known that you know the the, the Supreme Court has upheld the, these laws which have been uh, of in both Haryana and Rajasthan. Now, why is it that the Congress is trying to uh, you know? object to it now that the Supreme Court has upheld the law I think I think there is a um, problem with the phone there uh, meanwhile we have been we have been joined by Rajkumar Saini Rajkumar Saini is the BJP MP from Haryana welcome to you mr. Rajkumar Saini mr. Saini the, you know yesterday it was quite an embarrassment for your party uh, in the way the uh, this amendment has been had been passed in the Parliament

अगर कोई अच्छी पहल हुई है वो हरियाणा से हुई है और इस कानून को मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर जितनी भी जल्दी हो सभी विधानसभाओं तक और पंचायती राज तक लोकल बॉडीज़ तक इस कानून का फायदा लिया जाना चाहिए क्योंकि आज देश के अंदर कम से कम जो देश के अंदर घटित हो रहा है जो देश की राजनीति है जो देश की समस्याएं हैं उनको समझने के लिए पंचायती राज एक ग्रास रूट से जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम को अगर हम वहीं से मजबूत करके चलेंगे वहीं से डेवलप करके चलेंगे तो देश को इससे अच्छी शुरुआत के साथ साथ समस्याओं के निपटान में सहयोग मिलेगा और ये एक बहुत अच्छा कानून हुआ है जो हरियाणा ने पहल की है इसका मैं धन्यवाद करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने फैसला हरियाणा सरकार के हित में दिया और जो लोग इसको गलत साबित करने में लगे हुए थे मुझे लगता है वो संकीर्ण भावनाओं से प्रेरित हैं जगमती जी सबसे पहले तो राज्यसभा ने मान्य राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो संशोधन किया हम उसके ऊपर खुशी का इजहार करते हैं क्योंकि ये जो संवैधानिक ये जो संशोधन किया गया पंचायती राज में ये संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है ये नागरिकों के जो चुने जाने का अधिकार है और चूज़ करने का चॉइस का जो राइट है उसके ऊपर हमला था और बहुत बड़े स्तर पे एक्सक्लूजन जिनको सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट के माध्यम से महिलाओं को दलितों को और वंचित तबकों को जिनकी मेन स्ट्रीमिंग की कोशिश की गई थी उन सभी को एक बार फिर इसने बाहर धकेल दिया है उदाहरण के तौर पर हरियाणा के अंदर दलित थ्री परसेंट ऑफ दलित वेमन सिक्सटी सेवन परसेंट ऑफ जनरल वेमन एंड ओवरऑल फोर कंडीशंस इम्पोज फॉर देर कंटेस्टिंग एलिजिबिलिटी सो बहुत सारी संस्थाएं बीच में थी जिसमें विधानसभा भी थी जिसमें चुनाव आयोग भी था जिसमें और दूसरी संस्थाएं हमने हर सतर पे उनको याद दिलवाया कि ये आपकी संवैधानिक जिम्मेवार है और आपका जो ड्यू रोल बनता है वो प्ले करना चाहिए अनफॉर्चुनेटली हर जगह से निराशा हाथ लगी जो उनके ड्यू रोल हैं जिसके लिए वो पे किए जाते हैं पब्लिक की तरफ से उन्होंने सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना ड्यू रोल प्ले नहीं किया कम से कम राज्यसभा एक हमारी जो आ, डेमोक्रेसी का जो इंस्टीट्यूशन है उसने इस चीज़ को अंडरलाइन किया है कि इस तरह से डेमोक्रेसी के अंदर आ, सेवन परसेंट नागरिकों को बाहर कर देना किसी भी तरह से उसकी मूल आत्मा के खिलाफ ओके okay. साइनी uh, जी जी हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिक्सटी फोर परसेंट ऑफ द पीपल जगमती संगवान से सिक्सटी फोर परसेंट ऑफ द पीपल इन हरियाणा हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन इज दिस हाउ हाउ डू जस्टिफाई सच ए लॉ देखिए अगर सत्तर वर्ष की इस आज़ादी के बाद जितने प्रौढ़ शिक्षा अभियान चले सर्व शिक्षा अभियान चले घर घर शिक्षा अभियान चला कितने ही योजनाएँ इस देश के लिए शिक्षा के लिए प्रचलित हुई और सत्तर वर्ष के सत्तर वर्ष के इस हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी अगर हमारे पास किसी गांव में आठ पड़ा हुआ हमारा एस बच्चा और दस पड़ा हुआ हमारा जनरल बच्चा अगर हमारे पास आज कोई भाई

चुनाव लड़ने के लिए जो 2011 के मुकाबले इस बार जो कंटेस्टेंट्स की जो संख्या है वो वन फोर्थ रह गई है इसके अलावा 54.5 जो कैंडिडेट्स uh, हैं वो uh, मतलब अनोपोज चुने गए वहाँ वहां कैंडिडेट्स नहीं थे।, थे नहीं तो मैनिपुलेट कर लिया सेक्शंस ने पूरे अपने Mr Tulsi you know the, the, the amendment passed yesterday in ratsaba to this, to the president's address. The, the question is that already the Supreme Court has upheld this law in in Haryana and also in Rajasthan. What is the Congress trying to do by you know making this point? You see, the Supreme Court upholds it on a technicality, and in any case, I don't agree with the judgment of the Supreme Court because right to vote and right to contest election are बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज सब ऑफ डेमोक्रेसी के आप अठासठ प्रतिशत जो शेड्यूल कास्ट महिला हैं वो डिस्कालीफाई हो गई इलेक्शन लड़ने से तो जो गांधी जी का ड्रीम था कि सभी लोग बराबर होंगे सभी की वोट बराबर होगी

तो डेमोक्रेसी तो डिनाई हो गई ना उनको सेल्फ गवर्नेंस का राइट है उनको अगर सेल्फ गवर्नेंस का राइट है लगता वो राइट जो सर है एक मिनट एक मिनट खत्म करने दीजिए उनको हाँ मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक वजह दी है कि जो पढ़े लिखे हैं उनको सही और गलत के बीच में फर्क पता होता है और जो कोई अच्छा क्या है बुरा क्या है वो पता होता है ये बात सही नहीं है कि अमीर आदमियों की सेंस ऑफ वैल्यूज बेटर नहीं है अगर आप भारत में देखें तो सबसे ज्यादा करप्शन हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में है सभी पढ़े लिखे हैं तो ये कहना कि पढ़े लिखे की सेंस ऑफ वैल्यूज और सेंस ऑफ जजमेंट बेटर है ये ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है उनको ही मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है देखिए था ये स्पष्ट है कि कोई भी सरकार है शासन और प्रशासन के बीच में एक कम्बिनेशन होता है अगर प्रशासन के लोग शासन करने वाले लोगों को समझा ना सकें उनको आ, अपना क्या लिखा हुआ है और शासन करने वाला व्यक्ति चाहे वो पंचायत का प्रतिनिधि है चाहे ब्लॉक समिति जिला परिषद और इवन बींगे एम एल एज और एम पी कोई भी उसको जो है ना जो अपने रिस्पॉन्सिबल आदमी रखने के बाद भी उसके पास जो सरकार का ढांचा होता है हमारा एग्जीक्यूटिव ढांचा उसके साथ उसको काम करना होता है अगर एग्जीक्यूटिव ढांचे का लिखा हुआ और प्रशासनिक विषय से जुड़ा व्यक्ति अगर उसकी बात को लिखे हुए को समझ ही नहीं सकता तो मुझे लगता है करप्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे तथ्य देख करके कि हमने किसी को वोट से डिनाई नहीं किया वोट से कोई अधिकार कोई वंचित नहीं हुआ अगर रेयर केस को लेकर के पूरे प्रदेश पूरे देश की व्यवस्था को अगर हम ठीक करना नहीं चाहते तब तो पूरे देश में किसी स्कूल में प्रिंसिपल किसी स्कूल में कॉलेज में प्रोफेसर, प्रोफेसर मास्टर तो वो तो वो व्यवस्था आ जाएगी कि जब तक सब नहीं पढ़ेंगे तब तक तो हम कोई प्रोफेसर और लेक्चरर भी नहीं लगाएंगे एक जो जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान अभी जो वो प्रशासनिक और नागरिकों के बीच का और सरकार के बीच का जो तालमेल कह रहे हैं वो वो भी नेगेटिवली अफेक्ट हुआ है और ये उभर के आया अभी जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जिस तरह की वायलेंस हुई है जिस तरह की लूटपाट हुई है वहां पे नहीं नहीं उसमें जो भी एना, एनालिसिस करने वाले हैं जो हरियाणा के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि पहले जो मॉरल अथॉरिटी होती थी जो पंचायत के चुने हुए लोगों की okay. अपने युवाओं के ऊपर वो अथॉरिटी इसकी वजह से उसकी लूजनिंग है okay. और इस वजह से उन्होंने सब कुछ हाथ में ले लिया ओके अनुपम अनुपम द क्वेश्चन इज यू नो ही हैज अ पॉइंट ही सेज दैट or the supreme court also says, in fact, the argument in favor of this, I mean, these amendments is that uneducated, illiterate people getting elected to these kind of bodies, they can be you know, easily misled by, by the officials. if they don't know to read and write, the kind of administrative decisions they take is going to have problems. Uh, Girish, first of all, uh, i believe the amendment uh, motion passed uh, to the presidential address uh, yesterday is a welcome step. And if uh, th there's a question which you which you which you raised a couple of minutes ago, uh, that now that the Supreme Court has upheld this, how much purpose does it solve? The 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 event yesterday. How no, much because does it solve? in both states we have seen elections already you know, have taken place, and has, we, we... If, 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 if it has a, it has been able to stir up a debate, which we are doing it right now. It, I think it has solved a purpose. It is a political statement in itself. If it if if, 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 if there's an amendment made yesterday. Uh, uh, my point is uh, quite similar to what uh, uh, Mr. Tulsi made. the Supreme Court upheld Kiatha. One strong rationale given by Supreme Court was uh, that education—it is only education which gives a human being the power to discriminate between right, right and, wrong, and wrong, good and bad. Right. Now, this in itself, I think, is a flawed, flawed I would say flawed logic because education, formal education. Number one, you are not defining education here. Or formal education point that point has been made. I am asking about the the administrative deficiencies which can happen because people are not educated they are not able to understand you know they can be misled by the officials that is the point that's, that's a major point which is you know, being made uh, what, what we need to understand is uh, what is specifically the role of public representatives in our society. इसके लिए समझना जरूरी है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का एक्जैटली exactly काम नहीं होता कि वो ड्राफ्ट करे स्टेटमेंट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम नहीं होता कि वो कानून को खुद से इंटरप्रेट करे व्हाट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इज प्राइमरली रीडल टूटलिस्ट ऑफकोर्स इफ इफ देट रीड एंड एनी सिविल सोसाइटी आई वुड राट बैक

ट करना नहीं होता है, which, जो बार -बार बोला जाता है और जजमेंट इट्साइज पेपर Qualification. You know, there is something called the native wisdom of the people of this country. And it is the native wisdom of the people of India that, have, uh, that has often saved Indian democracy. If I remind you that post emergency, Indira Gandhi was defeated uh, uh, in her own constituency by a leader who could not match her charisma, though he was a strong leader with a strong ideological background. So, the native wisdom of the people of India. Second point. I would like to know that the legislature which has passed this law, what is the average qualification of the members of that legislature? And is there or is there not any member in that legislature who cannot read or write? This kind of a reform must start from the top, yes. not from the bottom. Do you are trying to put the cart before the horse? And third point, I think. That in a country where education has yet not been universalized, though there are merit claims made that it is universalized, we are not a hundred percent literacy country. Uh, unlike we have a one state which is much celebrated, which is hundred percent literacy, which is Kerala. Besides Kerala, we do not have a hundred percent single hundred percent literacy province. And Haryana, Mr. Seni, Haryana is a state where the child a girl-child ratio to the male-child ratio is the worst one of the worst in the whole of the country and one of the legislatures in the course of the campaign there said that we are going to get uh, brides for you from another state now what kind of education he brings to his uh, and, uh, his Mr. politics so i am asking this you see my question is that you know there is an expression a french expression perhaps called dilettante you know Politics is full of dilettantes people who have done the reading but who don't have the learning I'm sorry to say but, hey. the, but you know this Parliament has seen a Musahar woman who was an illiter illiterate and who was a member of Parliament and used to give one of the most robust speeches and she Came on I think Lalu Prasad Yadav's government's ticket, party this, ticket. This country has seen Kamaraj Was Kamaraj not the doyen amongst politicians during this time? The okay. man could not speak any. Mr. Okay. Mr. Saini, Mr. Saini, the, Saini hai, ki, no, the, the question is, are you by emphasizing on on a on a you know like in Haryana class ten for general candidates, class eight for women and Dalits, class five for Dalit women. For punch, and 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 sir punch. So no, no, no for punch only. For punch only. Hmm. So the thing is that now there are two things. One, the argument is. बाई ऐसे ऐसे जो कंडीशन जो लगाए हैं पीपल कैन गेट फॉल्स सर्टिफिकेट वन सेकेंड थिंग इज हाउ इज ए फिफ्थ स्टैंडर्ड पास पर्सन बेटर देन ए पर्सन हु इज नॉट एजुकेटेड अपार्ट फ्रॉम शायद शायद पढ़ना अपने अपन, अपना नाम सहन कर सकते हैं बस जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया हाई कोर्ट ने उससे पहले इसको रीड किया और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट भी गया वहाँ पर जाने के पश्चात लर्निड काउंसिल जो लोग इसकी तरफ से पेश हुए होंगे वो हमारे से ज़्यादा तर्कों भी तर्कों के साथ उन्होंने इस केस को फॉलो किया होगा ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ब्लाइंडली आंख मूंद करके जो है इस केस को जो है ना सरकार के पक्ष में फाइनल कर दिया मेरिट्स और डी मेरिट्स दोनों वहाँ पे देखने के बाद मुझे लगता है आज जो हम बहस कर रहे हैं वो तो सिर्फ़ एक मनोरंजन जस्ट लाइक लगता है हरियाणा में चुनाव भी हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला भी कर चुका नहीं, है, नहीं, है। तो आज, तो आप... आज 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 तो जो हम बात कर रहे हैं किस बात की हम चर्चा कर रहे हैं जबकि जो है ना दो बार उसको फाइनली जो सिंगल बेंच डबल बेंच और फुल बेंच तो में जो केस लगा तो वहां पर लगता है उसका जो है ना पूरा अनावरण और पूरा खुलासा उसका सैनी जी सैनी जी एक बात अब

मोटिव क्या है इस 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 कायदे को लाने का? व्हाट इज द मोटिव ऑफ यवर्ट विनोद शर्मा से as, नहीं, इस नहीं, इस... Says, अब वो जो कानून लाया उस का, जब जब वो कानून आपके असेंबली में पास हुआ तो इन असेंबली हाउ मेनी वे देर नो इलिटरेट इन दमोंग दीपल शर्मा ये कहना चाह रहा इससे बच्चों को पढ़ने में और आगे <laughs> बढ़ने में इनकेज मिलेगा क्या इससे हमारे देश का जो ढांचा है उस संघीय ढांचे को भी बल मिलेगा अगर हमारे नीचे से आखिर ये पॉलिटिशियन की जो बोध कहा से भेजी जाती है और कहा से इसकी उत्पत्ति होती है वहां से चलकर के ही लोग आगे संघीय ढांचे तक पहुंचते हैं हमें लगता है हम पीछे की तरफ जिस देश की जिस देश की विडंबना है, है कि यहाँ मारा मारी यहाँ पिछड़ा बनने की हो रही हो जहां पर पीछे क्वालिफिकेशन को ताक पे रख करके

पहल की गई है उसको हम अपने यहां पे भी लागू करेंगे उन्होंने कहा कि हम म्यूनिसिपल कमेटीज में भी लागू करेंगे तो ये जो इस तरह की जो मुहिम है बिना पूरा उसका विश्लेषण किए जहां पे लागू किया गया है उसके ऊपर एक चेक लगेगा कम से कम सोचा जाएगा दूसरा ये उन्होंने कहा कि ये हाईकोर्ट ने भी पास कर दिया इसको ऑर्डिनेंस के माध्यम से चोर दरवाजे से लेकर आए और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जब उसके ऊपर रोक लगाई तब उसके बाद विधानसभा का जो सेशन चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की टू जजेस बेंच ने अपहोल्ड किया लेकिन अभी क्यूरेटिव क्योर किया जाएगा इसको so, अभी, And there have been legislations superseding those judgments, and I think this is a fit case for Parliament, which is the highest legislative making legislature, legislature in this country, to reapply its mind to see the ramifications the court of says this says decision. That the court says that this is a reasonable restriction. Which you has see, been the introduced. court may say the states, have this, the states have the authority to pass such laws, and is a, these are re reasonable restrictions. is in the Parliament. It wasn't the government thinking of. The bringing the National Judicial Appointments Commission bill again in another form? Was it isn't it still thinking? May I say one thing? It is the collective wisdom of the people of India which is reflected in parliament. You see, Harana Legislature may be reflecting the wisdom of a party which is in power currently there. But in parliament, the kind of composition we have of parliament today, the upper house and the lower house. It represents the collective wisdom of the people of India. Why, for instance, Kerala hasn't done it? It is one of the most progressive states in terms of literacy. Why isn't any of the North, South Indian states have still, still done it? Aren't they best governed? Are they not governed adequately? Is Haryana claiming so, that it is is, is, is is it the claim of Haryana? Is it the claim of Haryana that by keeping a strong section of over 60 percent people, Outside this sphere of electoral politics, it will be able to achieve an education उटसाइड द स्पेयर ऑफ इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स इट वी एबल द क्वेश्चन। लैंड एजुकेशन नहीं ये, Saini, ये, ये क्या है ये एजुकेशन नहीं एजुकेशन प्रमोट करने के लिए क्या किया गया है इस, 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 इस कानून को देखिए देश की तरक्की अगर हम सब लोग आंखें खोल करके और आगे बढ़ने के लिए सबसे अगर बड़ी बैसाखी या सबसे बड़ी हमारी आंख है वो है एजुकेशन अगर हम ये चाहते हैं कि मुझे तर्कों और वितर्कों में कुछ ज़्यादा वो नहीं अच्छी शुरुआत कहीं से भी कर ली जाए मुझे लगता है वो अच्छा दिन नहीं होता और सैनी एक, एक बात कहना चाहता हूँ सैनी साहब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का क्या मतलब है देखिए सुन सुन लीजिए लीजिए मेरी बात पूरी डेमोक्रेसी का यह मतलब है कि जिस तरह का आपका समाज है जो बैकवर्ड लोगों के लिए भी आरक्षण की बात थी उसमें भी यही तर्क था और जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के लिए बात थी उसमें भी यही तर्क था कि जिस तरह का आपका समाज है वो प्रतिबिंब आपकी चुनी हुई चुने हुए इदारे हों आप उनको अपने समाज से जुदा तस्वीर देकर

इस देश में नेहरू ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पहले स्टेप के जरिए दी थी इसके साथ उनको ने भी बताना चाहिए क्या उनकी मनसा जो है इसके पीछे वो ये है की लैंड एक जो ग्राम सभा से जो सेंक्शन लेनी होती है तो एक अलीट और सेक्शन को पंचायत के फैसले लेने की जगह okay. पे लाओ नहीं नहीं वो भी वो भी है सैनिक सा, जी देखिए सब ऐसे है जो प्रतिबिंब की बात कही है कि जैसा आपका समाज है उसी के प्रतिबिंब के मुताबिक जो है ना आपकी सरकार या आपके चुने हुए प्रतिनिधि जा सकते हैं मैं इस बात से थोड़ा एग्री जरूर करूंगा लेकिन विश्व के अंदर हमारे इस देश की एक विडंबना है कि हमने जो हमारा वोटर है और जो हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि है जिसको हम चुनते हैं उसको सिमिलरिटी में हमने ढाल दिया है लेकिन विश्व के अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर ये स्पष्ट है कि पहले एबिलिटीज जो चुनाव के लिए एबिलिटीज मेजरमेंट की जाती हैं एबिलिटीज उसको वोटर से डिफाइन करके पहले जो क्योंकि जिसको हमने प्रोफेसर लगाना है जिसको हमने, हमने मास्टर लगाना है जिसको हमने एडमिनिस्ट्रेटर लगाना है जिसको हमने जिसको हमने लीडर बनाना है उसके उसकी एबिलिटीज उसकी स्पेशलिटीज जरूरी है अमेरिका में अमेरिका में आप जाएंगे मिनट एक मिनट शर्मा जी पहले चुनाव जो है ना वहां पर एबिलिटीज के के क्या ये आदमी कैंडिडेट बन सकता है या नहीं इसके ऊपर ही पहले वहां पे चुनाव होते हैं तो है? अमेरिका छोड़ दीजिए <coughs> so अमेरिका छोड़ दीजिए जाकर के सो दिस से जो कानून है ये असेंबली और पार्लियामेंट के लिए भी अप्लाई करना चाहिए ऐसे ऐसे कानून लाना ये चाहिए। ये जो कानून है ये बहुत अच्छी शुरुआत है इसको हमने एबिलिटीज के जैसे विषय के अंदर हमारा क्या हो रहा है हमारा जनता के पास कोई ऑप्शन जो है ना ऐसी बचती नहीं है उसकी मजबूरी होती है कि वोट पाने के लिए कि पार्टी किस तरफ वो अच्छा नेता मान रही है ये, ये पार्टी so, का ने, नेता अच्छा चाहिए है। एक मिनट सर हाँ। इस पार्टी का नेता अच्छा है इस पार्टी को हम वोट देना चाहते हैं लेकिन कैंडिडेट पार्टी ने सिलेक्ट कोई ऐसा क्रिमिनल या कोई ऐसा भद्दा व्यक्ति या okay. कोई ऐसा सकता जो जनता ना? की रुचि में नहीं है लेकिन पार्टी अच्छी नहीं है पार्टी के कार्यशैली या पार्टी के पीछे पिछले रिजल्ट अच्छे नहीं है उसको देखते हुए कोई व्यक्ति ऐसा टिकट लेकर के आ जाता है जिसको जनता चाहती है नहीं नहीं सर मेरा रोल नहीं नहीं आप मेरे 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 सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं पार्लियामेंट और असेंबली में होना चाहिए ये कि नहीं मैं यही बात बोलने जा रहा था आपने उसको... लेट like, हो रहा है खत्म हो रहा है हाँ, जल, जल्दी मैंने ये कहा कि बिल्कुल इसको सिरे से लेकर के पंचायत चुनाव से लेकर के सिरे तक इसको ले जाना चाहिए चाहिए पार्लियामेंट तक वेरी वेरी क्विकली क्विकली देखिए चुनाव के बाद इन्होंने कहा कि युवा और महिलाएं चुन के आए हैं जब इंट्रोडक्शन के लिए पहली मीटिंग हुई उस मीटिंग में कहीं पे भी वो युवा और पढ़ी लिखी महिलाएं उपस्थित नहीं थी इसका मतलब ये जुगाड़ है एक तरह हाँ, 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 का

Uh, laws which laws which have been passed by these two states and we'll see how it will go. Thanks to all my guests. Please keep watching. We'll come back with another issue in the big picture same time tomorrow.